हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब सेफ होंगे, अपने अपने घरों में सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नवरात्र व्रत की थाली। तो जब हम नवरात्र का व्रत रखते हैं, बहुत सी लेडीज 9 दिन का व्रत रखती हैं, तो हमें प्रॉब्लम आती है कि हम क्या बनाएं, क्या खाएं। तो एक टाइम तो हमें फरार करना ही पड़ता है। तो उसके लिए आज मैं बहुत ही अच्छी डिश लेके आई हूँ जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसका आज आप सिर्फ पहला भाग देखेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में मैं बहुत अलग अलग तरह की इसी तरह की चीजें लेके आऊंगी। आई होप आपको मेरी ये सीरीज पसंद आएगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका व्रत सफल रहे और आपने जो भी अपनी मनोकामना रखी है या दुआ मांगी है वो आपकी पूरी हो। भगवान आपको और आपके परिवार को हमेशा खुशहाल बनाए रखे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 1/2 kg मिल्क लिया है, ये मैंने बॉईल करके रखा हुआ है। ये मैंने लिए हैं पोटैटो, ये है साबूदाना, जो मैंने 100 ग्राम साबूदाना लिया है, बिकॉज साबूदाना कम लें, दूध ज्यादा लें, तभी खीर अच्छी बनेगी। ये मैंने ऑयल लिया है, ये शुगर है, काली मिर्ची है, जीरा है, सेंधा नमक है, देसी घी है, ड्राई फ्रूट्स है, टमाटर है और कुटू का आटा है। तो सबसे पहले हम साबूदाने की खीर बनाएंगे। तो हम बनाएंगे साबूदाने की खीर। ध्यान रहे कि पहले आप दूध को गर्म कर लें, अदरवाइज अक्सर लोगों की खीर ना फट जाती है। ये साबूदाना मैंने भिगो के रखा हुआ था, तो अब हम इसके अंदर दूध बॉईल हो चुका है, साबूदाना डालेंगे। साबूदाना हमें आधा घंटा भिगो के रखना है, पानी उतना ही डालें जो साबूदाना पानी सोख कर ले। अब हम इसको धीरे धीरे पकने के लिए छोड़ देंगे और साथ में ही मैं इसमें केसर डालूंगी। केसर मैंने भिगो के नहीं रखी है, उनको साबूदाने के साथ केसर का कलर अच्छे से आ जाएगा। तो हम इसको दूसरी गैस पे रख देते हैं, जिससे वो सेम गैस पे धीरे धीरे पकती रहेगी। और साबूदाने के खीर में कड़े हुए दूध का बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है। तो दूसरी गैस पे अब मैं कढ़ाई रख रही हूँ, जिससे हम आलू टमाटर की सब्जी बनाएंगे। तो चलिए अब हम व्रत की सब्जी बनाते हैं। व्रत की सब्जी के लिए ध्यान रहे, या तो आप कोई रिफाइंड ऑयल लें या फिर आप देसी घी लें। आप मस्टर्ड ऑयल वगैरह आप नहीं खा सकते, तो मैंने 1 चम्मच देसी घी लिया है। हम घी को गर्म होने देंगे और जो जीरा भी आप लेते हैं, व्रत का सारा जो स्पाइस है वो एकदम अलग रखें, जिससे कि बाकी के मसाले उसमें टच ना हो। घी गर्म हो चुका है, मैं इसके अंदर 1 चम्मच जीरा डालूंगी। अब व्रत की सब्जी में ज्यादा मसालों की जरूरत नहीं होती है, बहुत ही कम मसाले में बन जाते हैं। तो जीरा भुन गया है, अब इसके अंदर हम टमाटर डालेंगे, जो मैंने 3 टमाटर कट करके रखे हुए हैं। टमाटर आप थोड़े से एक्स्ट्रा डाले तो खट्टी खट्टी सब्जी खाने में बहुत अच्छी लगती है। इसके साथ हम 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, जिससे टमाटर गल भी जाएंगे, और ये सेंधा नमक है व्रत वाला। साथ में मैं 1/2 चम्मच काली मिर्ची डाल दी। बहुत लोग हरी मिर्ची भी खाते हैं, लेकिन मैं व्रत में हरी मिर्ची नहीं खाती हूँ। इसी के साथ बना के आपका नेक्स्ट वीडियो शेयर करूंगी। अब हम इसको ढक के रख देंगे। तो अब हमने इसको ढक दिया ताकि टमाटर गल जाए। जब तक टमाटर पक रहे हैं, तब तक हम खीर को देख लेते हैं। देखिए खीर कितने अच्छे से पक गई है और केसर का कलर भी कितना अच्छा है। अक्सर लोग साबूदाने की खीर बगैर केसर के खाते हैं, आप केसर डाल के खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अब हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड करते हैं। ये मैंने इलायची और ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके रखे हुए हैं। आप ड्राई फ्रूट्स अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने किशमिश ली है, बादाम लिए हैं, काजू लिए हैं, इलायची ली है। अब इसके अंदर हम शुगर डालेंगे। मैं 2 चम्मच शुगर डाल रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कम ज्यादा। और आप इसको ठंडा करके थोड़ा खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी और बहुत ही मजेदार लगेगी। तो हम इसको बंद कर देते हैं, खीर हमारी रेडी है। चलो अब टमाटर को भी हम चेक कर लेते हैं। वाह, टमाटर बहुत अच्छे से पक चुके हैं, देखिए एकदम गल गए हैं। अब हम इसके अंदर जो मैंने आलू मैश करके रखे हुए हैं उनको ऐड कर देंगे। तो व्रत के खाने में आप धनिया तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप हल्दी नहीं डाल सकते, तो मैंने बगैर हल्दी के ही डाली है। अगर आप सूखे आलू बना के खाना चाहते हैं तो आप ऐसे सूखे भी खा सकते हैं, लेकिन पूरी के साथ हल्के से ग्रेवी वाले अच्छे लगते हैं। तो मैं इसके अंदर अब पानी ऐड करूंगी, क्योंकि हम हल्दी नहीं डाल रहे हैं, हल्दी की जगह हम थोड़ा सा केसर डाल रहे हैं।
आप 3-4 धागे इसके डाल दीजिए, इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, कलर भी बहुत अच्छा आ जाएगा। अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे, हम इसको ज्यादा पतली नहीं रखेंगे। तो चलिए अब हम इसको बॉईल करने के लिए ढक्के रख देंगे। जब तक सब्जी बॉईल होती है तब तक हम कुटू का आटा लगा लेंगे। तो चलिए अब हम कुटू के पूड़ी का आटा लगाते हैं। ये मैंने कुटू का आटा लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं कम ज्यादा। इसमें हम थोड़ा सा सेंधा नमक डालेंगे, बस इस पानी के साथ इसको मिक्स कर देंगे। तो चलिए अब हम पूड़ी बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने पूड़ी का डो ले लिया है, इसको हम राउंड सर्कल कर लेंगे, चकले के ऊपर हम घी लगा देंगे, पूड़ी के शेप में बेल लेंगे। ध्यान रहे कुटू का आटा है तो पूड़ी बहुत ज्यादा पतली नहीं करनी है। तो हम इसको तलने के लिए छोड़ देते हैं। तो पूड़ी देखिए कितने अच्छे से फूल के आ गई है, और ये आलू टमाटर की सब्जी के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। हम इसको दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। पूड़ी बन चुकी है, चलो हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो हमारी पूड़ियाँ रेडी हैं। इससे पहले हम थाली लगाएं तो चलिए आलू की सब्जी देख लेते हैं बन गई है या नहीं। आलू की सब्जी बन चुकी है पूरी तरीके से। देखिए आलू की सब्जी का कलर कितना अच्छा है, और केसर का भी कितना अच्छा कलर है, ऐसे लग रहा है एकदम हल्दी डाली हुई है। बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में। अक्सर मेरे घर में तो जब मैं व्रत रखती हूँ मेरे बच्चे भी साथ में ही खाते हैं कि मम्मा हमें भी खाना है। तो चलिए हमारी सब्जी भी रेडी है, तो हम थाली लगाना शुरू करते हैं। थाली रेडी है, तो चलिए पहले हम भगवान को भोग लगाएंगे। ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः। तो चलिए अब हम भोग लगाते हैं। सबसे पहले मैं माता को खीर का भोग लगाऊंगी और पूड़ी का, दूसरी से भी लगाएंगे हम आलू के साथ भी और खीर के साथ भी। ये वैष्णो देवी माँ की भिक्षा है, इसके भी लगाएंगे अंदर भी लगाएंगे। इसके बाद हम इस प्रसाद को सब लोग बांट के फैमिली में खा लेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि भगवान आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करे, आपके घर में सबको स्वस्थ रखे, खुश रखे, आबाद रखे, दुनिया जहान की सारी खुशियाँ आपको मिले, और आपका परिवार हमेशा ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते रहे। To Rocky Raj Kasori Show.